ऑपोजिशन पार्टीज ये मान के चल रही है कि अगर मोदी वेव नहीं है या मोदी मैजिक कम हो गया है तो बीजेपी को 180 से कम मिलेगा, और 180 एक क्लब 180 ग्रुप है, तो वो एक एंटी मोदी या नॉन मोदी फैक्टर को लेकर चल रहे हैं। क्या ये हो सकता है? आप ये पिक्चर कर सकते हैं कि 2019 के चुनाव में एक 180 से कम आ सकते हैं बीजेपी के? पहली बात है कि अगर वो इस प्रकार के हिसाब किताब नहीं लगाएंगे और ऐसी बातें नहीं फैलाएंगे तो उनके गठबंधन में लोग कैसे जुड़ेंगे? उनको अपने गठबंधन में लोगों को जोड़ने के लिए कुछ न कुछ तो बड़ी बड़ी बातें दिखानी पड़ेगी, और ये अपनी परिस्थितियां बचाने के लिए ये बातें बनाई जा रही है। कोई साइंटिफिक चीज़ है कि ये इतनी सीटें, इतना क्लब, इतना क्लब रहा? ये तो एक लिमिटेड, मैंने जो वर्क कहा जो 2013-14 में भी यही लॉजिक था, उस समय भी 200 से कम वाली क्लब की चर्चा इसी टोली ने की थी। ये सेट ऑफ पर्सन जो मैं कह रहा हूँ उसको आप भली भांति जानते हैं कौन है, तो ये उनके लिए उनके नैरेटिव चलता रहता है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम हमारे देश के सामान्य मानवी की समझदारी पर अविश्वास न करें। मैं सभी पॉलिटिकल पंडितों को ये कहता रहा हूँ कि हम सामान्य मानवी की समझदारी पर भरोसा करें। आखिर हिंदुस्तान का सामान्य मानवी को इस सरकार का ऐसा क्या अनुभव हुआ है कि जिसके कारण 2019 में इस सरकार से वो दूर जाने की कोशिश करेगा? 5 साल पहले के अखबार देख लीजिए, और मैं तो आपसे कहूँगा, मैं भी आपको भेजूँगा कि 2013-14 की हेडलाइन क्या हुआ करती थी और आज हेडलाइन क्या होती है। तो सामान्य मानवी इन सारी बातों को समझता है, और मेरा देश की जनता जनार्दन पर भरोसा है, मेरा देश के युवाओं पर भरोसा है।